हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और हमने सैटरडे को एक वीडियो किया था वो कैबलरी फ्रॉम द हिंदू का, और वो डे वन के लिए था। वो 16th ऑफ जून का पेपर था जहाँ से हमने वर्ड्स ऑप्ट किए थे। एंड आज का जो डे टू का वो कैबलरी सेशन है वो आज के ही न्यूज़पेपर जो कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं द हिंदू उसी में से लिए गए हैं। उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने वाली हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम न्यूज़पेपर जो प्रिंट वाला आता है उसमें से लिए हैं या फिर हमने ऑनलाइन न्यूज़पेपर में से। तो बेसिकली जो आज के वर्ड्स हैं वो ऑनलाइन जो द हिंदू आता है उसका फ्रंट पेज है एंड दो एडिटोरियल आर्टिकल्स थे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको वर्ड्स को ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बेसिकली आज जो मैंने वर्ड्स कलेक्ट किए हैं थोड़े से हाई लेवल के हैं, प्रीवियस वीडियो से थोड़े से एक्स्ट्रा हाई। तो मुझे लगता है कि जो आपने बेसिक्स सीखा उसमें आपको नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब का पता चल जाता है कि क्या होता है। अब हम थोड़े से हायर लेवल के वर्ड्स पे जाएंगे और फर्स्ट वर्ड हमारे पास आता है क्लैमरिंग। नाउ जो क्लैमरिंग वर्ड आया है वो वर्ब प्लस आईएनजी का है, क्लैमरिंग। अगर आपको वर्ड का वर्ब फॉर्म चाहिए तो वो है क्लैमर, राइट। क्लैमर मीन्स चिल्लाना, चिल्लाना इन द सेंस आप जैसे कोई ग्रुप है या फिर जो पीपल रास्ते पर खड़े होकर रोष प्रदर्शन करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो चिल्लाते हैं तो उसको क्लैमरिंग बोलते हैं। दे आर नॉट शाउटिंग, दे आर क्लैमरिंग, राइट। तो इसका जो सिनोनिम आएगा हमारे पास वो क्या है, येल। क्योंकि वो गुस्से में होते हैं इसलिए उनकी जो भड़ास होती है वो निकलती है, इसलिए हम इसको येल बोल सकते हैं। शाउट, डिमांड के लिए वो इकट्ठे होते हैं इसलिए डिमांड भी लिख सकते हैं इसके लिए। और रोर, रोर मीन्स दहाड़ होती है शेर की, बट अगर वो ज़्यादा शोर हो जाता है तो वो रोर बन जाता है लोगों के लिए भी। एंटोनिम्स में अगर हम बोले तो शोर का जो उल्टा होएगा वो क्या होगा, पीस, कामनेस, साइलेंस, क्वाइट एंड ट्रैंक्विल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रैंक्विल काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। ट्रैंक्विल मीन्स बहुत शांति, ट्रैंक्वालिटी, शांति वाला वातावरण, राइट। तो क्लैमर एक वर्ब है, अब अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। व्हेन आई वर्क इन द ऑफिस माई किड्स क्लैमर फॉर माई अटेंशन। मतलब कि जब वो लेडी जो है अगर ऑफिस में काम करती है तो बच्चों को लगता है कि उनकी मदर उनको अटेंशन नहीं दे रही, इसलिए वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एक प्रोटेस्ट शो करते हैं, राइट। देन उसका नाउन है क्लैमरनेस मीन्स शांति, शोर शराबा, राइट। द क्लैमरनेस ऑफ दिस सिटी इज डिस्टर्बिंग, द क्लैमरनेस ऑफ दिस सिटी इज डिस्टर्बिंग। देन जो एडवर्ब है वो क्या होगा, क्लैमरसली, क्लैमरस, राइट। तो क्लैमरसली मीन्स, आई थिंक स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी है, तो क्लैमरसली इट मीन्स ही डिमांडेड फॉर फ्रीडम क्लैमरसली, उसने चिल्ला चिल्ला कर आज़ादी की मांग की। इसमें कोई भी आपके पास जो रूट वर्ड है वो नहीं है, बस एक सफिक्स है ओ यू आर वाला,
तो ओ यू आर एक कलेक्टिवनेस को शो करता है, जैसे आर होता है हमारा, तो ओ यू आर से कलेक्टिवनेस शो होती है। तो क्लैमरिंग मीन्स जब कलेक्टिवली कोई लोग जो हैं शोर शराबा मचाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्लैमर। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है विशिएट। विशिएट एक वर्ब है और जिसका मतलब है भ्रष्ट करना। भ्रष्ट करना इन द सेंस कि खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट करना, ये सब विशिएट के मीनिंग होते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या आएंगे, डिस्ट्रॉय, डिफाइल। बेसिकली जो विशिएट वर्ड है वो जैसे प्योर चीज़ें होती हैं उनको भ्रष्ट करने के लिए, उनको खराब करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्टेमिनेट, जिस चीज़ में हम जहर भरने की कोशिश करते हैं उसको कॉन्टेमिनेट बोलते हैं, या कॉन्टेमिनेशन। तीसरा है पॉइजनिंग, जहरीला किसी चीज़ को अगर हम बनाते हैं तो वो भी विशिएट करना होता है। बेसिकली ये क्या है, दूषित करना, खराब करना, या पे नष्ट कर देना, वो होता है विशिएट। और एंटोनिम्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का या डिस्ट्रॉय का, डिस्ट्रक्शन का सिनोनिम एंटोनिम क्या है, कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्ट। डिग्निफाई, किसी चीज़ को इज्जत दिलाना, तो वो डिग्निफाई हो जाएगा। एनश्राइन, श्राइन से वर्ड आया है एनश्राइन। श्राइन मतलब पवित्र चीज़ या पवित्र जगह, और एनश्राइन का मतलब है कोई चीज़ को पवित्र करना। ग्लोरीफाई, राइट। इस तरह से बहुत सारे मीनिंग हैं। तो बेसिक मैं करने क्या वाली हूँ कि मैंने एक आर्टिकल जो इस इन वर्ड्स को कलेक्टिव करने के लिए लिखा था वो मैं पब्लिश कर चुकी हूँ बैंक एग्जाम्स टुडे की साइट पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ताकि आप उन वर्ड्स को नोट डाउन कर सकें। राइट, जो वीडियोज हमने सैटरडे को बनाई थी उसमें हमें ये मैसेजेस मिले थे कि PDF फॉर्म में हमें फाइल्स चाहिए, या फिर हमें एक रिटर्न वर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए वो एक प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए। तो हमने क्या किया है कि उसके एक आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं, जहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप उसको रीड कर सकते हैं वापस, या अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। सेकंड, इसके एंटोनिम हम कर चुके हैं। अब जो विशिएट है वो वर्ब है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म वॉज विशिएटेड बाय पुअर एक्टिंग। इट मीन्स कि एक अच्छी फिल्म का जो इम्पैक्ट था उसकी पुअर एक्टिंग ने उसको खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। देन इसका नाउन फॉर्म है विशिएशन। द पोल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल विशिएशन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेशन। ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ड इसको क्लैरिफाई करता है। एग्जैजरेशन का मतलब है, फिर से EX हमारे पास आया है तो इसका मतलब है कुछ एक्स्ट्रा, और एग्जैजरेशन का मतलब है आप कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, तो एग्जैजरेशन मतलब होता है कि अतिशयोक्ति। अगर हम इसको नॉर्मल शब्द हिंदी में देखें तो ये क्या होगा, अतिशयोक्ति। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को। इसके सिनोनिम अगर हम ढूंढें तो क्या है, ओवर स्टेटमेंट, किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही बताना जितनी कि वो है भी नहीं। ओवर एम्फसिस, किसी चीज़ पे जोर डालना। मैग्निफिकेशन, किसी चीज़ को बढ़ा देना। मैग्नीफाई मतलब आप किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, उसी से वर्ड आया है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मीन्स बड़ा करना, और मैग्नीफिकेशन का सिनोनिम क्या है, एग्जैजरेशन। इसका एंटोनिम क्या होगा, बी
लिटिल, बी लिटिल मीन्स किसी चीज को छोटा कर देना। ये बी ई लगाकर हमने लिटिल बनाया है तो ये एक वर्ब बन जाती है, या मिनिमाइज। देन अंडरस्टेट, कम बताना किसी को। तो एग्जैजरेशन एक नाउन फॉर्म है और इसका सेंटेंस में अगर हम यूज करेंगे तो श्याम्स वर्जन ऑफ एक्सीडेंट वॉज अ कंप्लीट एग्जैजरेशन, मीन्स उसने जो बात बताई वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के स्टोरी सुना दी, तो उसको एक्सट्रीम लेवल के एग्जैजरेशन कर दी उसने, राइट। देन इसका वर्ब फॉर्म क्या है, एग्जैजरेट, बढ़ाना किसी चीज़ को। वी मस्ट नॉट एग्जैजरेट दिस स्टोरी, क्लियर। एंड एडजेक्टिव क्या है, अगर हम एडजेक्टिव में इसको यूज करना चाहते हैं तो एग्जैजरेट के साथ ईडी लगा देंगे, एग्जैजरेटेड। ही टोल्ड मी एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द स्टोरी, कि उसने आपको एक बड़ा बड़ा चढ़ा के बताया गया, मिर्च मसाला लगा के जो स्टोरी सुनाई थी वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया था। ओके, नाउ द वर्ड इज डिस्पेंशन। डिस्पेंशन जो वर्ड है, अगर आपको याद हो डिस्पेंसरीज हुआ करती थी और अभी भी होती हैं काफ़ी, तो डिस्पेंसरीज में क्या होता है, चीज़ें बांटी जाती हैं, तो डिस्पेंशन का मतलब है वितरण करना, वितरण करना या एलोकेट करना। और ये जो इसके आगे डी आई रूट वर्ड लगा हुआ है, डी आई का मतलब है या तो अवे, गिव अवे, या फिर दे देना, एंड अपार्ट, अपने से अलग कर देना, अपने से अलग करके किसी और को देंगे, राइट। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी एंड डीलिंग। डीलिंग में भी हम चीज़ें देते हैं, पर डिस्पेंशन जो होता है, बेसिकली जो हम प्री मेड कोई चीज़ बांटते हैं उसको डिस्पेंशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, अब अगर हम किसी चीज़ को देने से मना कर दें तो एंटोनिम क्या है, डिनाई कि हमने दिया नहीं, डेप्राइव, डेप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना किसी को, तो जो चीज़ देने वाली थी हमने नहीं दी तो हम उसको वंचित रखते हैं। रिटेन, रिटेन मतलब रोक लेना, जो चीज़ देनी है उसको रोक लिया। एंड कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है अपने कब्जे में लेना, जब हमने किसी को चीज़ दी ही नहीं जिसको वो डिज़र्व करते हैं तो वो कॉन्फिस्केट ही कर ली, कब्ज़ा कर लिया। अब जो डिस्पेंशन है वो एक नाउन फॉर्म है, इसका एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस में लें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कल्चरल डिस्पेंसेशन इन कॉलेज हिस्ट्री। अब कल्चरल डिस्पेंसेशन का मतलब है कि जो आपने अपनी कलाकारी दिखाई है, ठीक है, आपने उसको दूसरों के सामने रखा तो वो डिस्पेंसेशन हो गया। इसका वर्ब क्या होगा, डिस्पेंस,
ही विल डिस्पेंस द कार्ड्स, मीन्स कि वो कार्ड्स का वितरण करेगा या आप लोगों को देगा। तो इसका कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव अगर आपने यूज़ करना है तो आपको बनाना पड़ेगा खुद से। ऐसे एज सच हमारे पास इसका कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन जो वर्ड है वो है ड्विंडल। ड्विंडल सुनने में कैसा लगता है? पॉजिटिव वर्ड ऐसा है, एक छोटे बच्चे के वर्ड्स जैसा या कुछ ऐसा, बट इसका मीनिंग थोड़ा नेगेटिव है। इसका मीनिंग होता है कि वीक हो जाना, सूखना या फिर शीन हो जाना। शीन मीन्स पतला हो जाना किसी चीज़ का। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ड्राई, फेड, श्रीवल। डेसिकेट राइट। अब अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स में अगर कोई चीज़ सूख रही है तो वो क्या करेगी, इसका उल्टा क्या होएगा, वो खिल रही है, ठीक है। तो ब्लूम, ग्रो, शाइन या फिर मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब बड़ा होना। तो ड्विंडल जो है वो एक वर्ब फॉर्म है, ह्यूमंस आर ड्विंडलिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेस। कि जो ह्यूमंस हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को खराब कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। और इसका एडजेक्टिव क्या है? ड्विंडलिंग। सुनने में ये आईएनजी जो फॉर्म लगती है वो क्या हो जाता है आपका, कि वर्ब के साथ आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर ड्विंडलिंग यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव तो कैसे करेंगे? ह्यूमंस आर द रूट कॉज ऑफ ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और अगर इसका हम नाउन फॉर्म यूज करेंगे तो वो होता है ड्विंडलमेंट। ड्विंडलमेंट मीन्स पतला। द ड्विंडलमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हैज रीच्ड अलार्मिंग स्टेज। कि वो ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है कि वो खराब होने के बिल्कुल कगार पे है। देन जो वर्ड है वो है मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स नेगेटिव वर्ड है। पहले तो ये METI ऑलवेज रेफर टू समथिंग नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो इंसान बहुत नुक्ताचीनी करता है, दोष निकालता है लोगों में, उसको मेटिकुलस पर्सन बोलते हैं, राइट। या फिर बहुत छोटी चीज़ सूक्ष्म बिल्कुल, उसको मेटिकुलस बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? माइन्यूट, सटल, फिनिकी। फिनिकी मतलब बहुत छोटा, सेंसिटिव। जो चीज़ छोटी होती है, बेसिकली बेबीज को ले लीजिए, वो छोटे होते हैं तो वो सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए सेंसिटिव इसका एक सिनोनिम है। देन एंटोनिम्स क्या हैं इसके? माइंडलेस। अगर हम
एक ऐसे पर्सन की बात करें जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, उसमें खराबियां निकालता है, तो वो क्या जाता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है वो। लेकिन अगर जो पर्सन इन चीज़ों को इग्नोर करता है वो माइंडलेस होता है, केयर फ्री होता है और इनअटेंटिव, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करता, तो वो इनअटेंटिव हो सकता है। मेटिकुलस एक एग्जाम एडजेक्टिव है, रीना इज अ मेटिकुलस क्लीनर, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों की सफाई का ध्यान रखती है, दैट्स वाई हर हाउस इज ऑलवेज क्लीन, राइट। देन इसका एडवर्ब है मेटिकुलसली, मेटिकुलसली मीन्स छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए। शी डज हर क्लीनिंग मेटिकुलसली, मेटिकुलसली मीन्स बहुत ध्यान से। देन नाउन क्या है, मेटिकुलिसिटी, मेटिक्यूलोसिटी, द मेटिक्यूलोसिटी ऑफ हर हाउस इम्प्रेस्ड अस, कि उसके घर की जो छोटी छोटी बारीकियां थी, माइन्यूटनेस थी, उसने हमें इम्प्रेस कर दिया। लेकिन अगर आप उसको मेटिकुलस एक पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं जो नुक्ताचीनी करता है, तो वो नेगेटिव होगा, राइट। अगर आप उसको माइन्यूटली के लिए, सूक्ष्मता के लिए यूज़ करें, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है अनइम्पीचेबल, अनइम्पीच मीन्स जिसको हम डाउट नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियर हो सकता है जो चीज़, या कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट, निसंदेह, ओके। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, ऑब्वियस, क्लियर, अपेरेंट, इनड्यूबिटेबल, इनड्यूबिटेबल मीन्स जिस पे हम डाउट नहीं कर सकते, डाउट से इनड्यूबिटेबल बना है, इनड्यूबिटेबल, राइट। एंड एंटोनिम्स में क्या आएगा, डूबियस, डूबियस मीन्स जो चीज़ अनक्लियर होती है वो उसको हम कहते हैं डूबियस। देन अनरिलायबल, जिस चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता वो अनरिलायबल होती है। तो अनइम्पीचेबल एक एडजेक्टिव है, द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम एन अनइम्पीचेबल रिसोर्स, राइट। एंड इसका नाउन फॉर्म है अनइम्पीचेबिलिटी, कि निसंदेहता, किस पे हम शक बिल्कुल नहीं कर सकते, अनइम्पीचेबिलिटी, अनइम्पीचेबिलिटी मीन्स, अब इसका सेंटेंस में यूज करेंगे, द अनइम्पीचेबिलिटी ऑफ दिस resource is the benchmark for the industry, clear।
अनलगा है तो मतलब जो चीज है उसका बिल्कुल ऑपोजिट नेगेटिव, जैसे अनरिलायबल तो वो क्या होएगा, रिलायबल का बिल्कुल उल्टा। इम्पीचेबल मीन्स जिस पे हम डाउट करते हैं, अनइम्पीचेबल मतलब जिस पे डाउट नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है ओबिक्यूस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने में, मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी इसे बोलने के लिए। ओबिक्यूस मीन्स जो हर जगह होता है, सर्वव्यापक। बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद गॉड, जैसे गॉड सर्वव्यापक होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, तो सर्वव्यापक के लिए ओबिक्यूस एंड सर्वशक्तिमान के लिए ओमनीपोटेंट। ओमनी मीन्स होल। ओबिक्यूस का एक और मीनिंग हो सकता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स कंप्लीट, हर जगह, एंड प्रेजेंट मीन्स जो चीज मौजूद हो। ओके, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, यूनिवर्सल एंड एंटोनिम क्या होगा, रेयर। जो चीज हर जगह मिलती है वो यूनिवर्सल है, जो कहीं कहीं या बिल्कुल मुश्किल से मिलती है वो क्या हो जाती है, रेयर या फिर स्कार्स। स्कार्स मीन्स बहुत ज्यादा कमी। ओके, तो इसको हम सिर्फ सेंटेंस में यूज करेंगे। गॉड इज ओबिक्यूस, कि वो सर्वव्यापक है। व्हेन आई वाज अ किड आई थॉट माय पेरेंट्स वर ओबिक्यूस, क्योंकि वो हर जगह पे प्रेजेंट हो जाते थे, इसलिए हम उनको लगता था कि वो हर जगह में मिलते हैं, तो वो ओबिक्यूस हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरिपेथियस। अगेन एक डिफिकल्ट सा वर्ड आ गया है, जो कि एक एडजेक्टिव है। IOUS मीन्स वो एडजेक्टिव है, राइट। और इसका मतलब है कि आपने जो छल से काम किया है, धोखे से किया है, वो क्या हो जाएगा, सरिपेथियस। तो ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वर्ड। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव, सीक्रेट या सीक्रेटली, स्नीकी। स्नीकी मीन्स कि आपने छुप छुपा के कोई काम किया है, कंसील्ड। कंसील्ड मीन्स बंद होकर, हिडन, छुपा के। देन एंटोनिम्स क्या होंगे, जो चीज छुपी है उसका ऑपोजिट क्या होगा, ओपन। ब्लंट, ब्लंट मीन्स जो इंसान अपनी बात को ओपनली बोल दे। ब्लैटेंट एंड ऑनेस्ट, क्योंकि जो चीज छुपा के की जा सकती है वो कभी ऑनेस्ट नहीं होती, इसलिए ऑनेस्ट भी इसका एक एंटोनिम है। एंड इसका जो सेंटेंस में एग्जांपल है वो है द डॉग हैज सरेप्टिशियस वेज, सॉरी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सरेप्टिशियस है, सरेप्टिशियस वेज ऑफ स्टीलिंग फूड, मतलब वो छुपके या छल से खाने को चुरा लेता है। क्लियर। सरेप्ट सीक्रेट, इसको याद रखना है, सरेप्ट से सीक्रेट, छुपा के कोई किया हुआ काम। नेक्स्ट है कॉन्टेम्प्टुअसली। कॉन्टेम्प्टुअसली, कॉन्टेम्प्ट से आपको कुछ याद आता है, कंडेम, राइट। दो इसका कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन कंडेम मीन्स किसी की बुराई करना, किसी को खरी खोटी सुनाना, बुरा कहना, तो ये कंडेम हो जाएगा। तो कंटेम्पचुअसली का मतलब है नफरत से किसी चीज को देखना या फिर किसी का सत्कार ना करना। LY लगा है तो ऑब्वियसली ये एक एडवर्ब है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, इंसल्टिंगली, स्कॉर्निंग,
स्कोन, फुली स्कोन आपको पता है कि जब हम नाक मुँह चढ़ाते हैं तो उसको स्कोन बोलते हैं, तो स्कोन फुली। एंड एंटोनिम्स क्या होंगे? रिस्पेक्टफुली, रिगार्डफुल या रिगार्डफुली एक्सेट्रा। नाउ इसका एडजेक्टिव क्या है? हमने सिर्फ इसका ये एल वाई काटना है, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा कॉन्टेम्पचुअस। एडजेक्टिव कॉन्टेम्पचुअस, इट मीन्स तिरस्कार। नाउन क्या है? कॉन्टेम्प्ट। नाउ हम इसको एग्जाम्पल्स में यूज करेंगे। माई हजबेंड इज फ्रॉम अदर रिलीजन, डज माई फादर लुक एट हिम कॉन्टेम्पचुअसली, कि वो उसको तिरस्कार पूर्वक देखते हैं। देन शी नेवर शोज कंटेम्प्ट फॉर एनीबडी, कि वो किसी को भी तिरस्कार से नहीं देखती है। हिज बिहेवियर विद मी इज कॉन्टेम्पचुअस। एडजेक्टिव लगा है यहाँ पर, क्लियर? देन जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव जो वर्ड है वो एक रेम्यूनेशन से आया है, जिसका मतलब है लाभ, और रेम्यूनेटिव का मतलब है लाभकारी। जिस चीज में प्रॉफिट होता है उसको रेम्यूनरेटिव बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल। आपको बाकी के सिनोनिम्स नीचे जो लिंक दिया है वहां पर मिल जाएंगे। प्रॉफिटेबल हो सकता है, रिवॉर्डिंग हो सकता है, जब हम किसी चीज को रिवॉर्ड करते हैं। देन एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? डिसएडवांटेजियस, जिसका हमें कोई लाभ नहीं है। एंड अनफेवरेबल, जिसका हमारे फेवर में कुछ नतीजा आने वाला नहीं है। अब ये एक एडजेक्टिव है, तो इसका सब एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? द कॉलेज डिड नॉट ग्रांट हिम एनी मनी बिकॉज हिज स्टडी डिड नॉट प्रूव रेम्यूनरेटिव। मतलब उसकी जो स्टडी थी वो लाभकारी सिद्ध नहीं हुई, तो उसको कोई भी पैसे नहीं दिए गए। देन इसका नाउन फॉर्म है रेम्यूनरेशन, इट मीन्स लाभ। ही अर्न्ड अ ग्रेट डील ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम हिज न्यू बिजनेस। इज इट फाइन नाउ? देन इसका वर्ब है रेम्यूनरेट।
ही इज रेम्यूनरेटेड फॉर हिज सर्विसेज. ही इज रेम्यूनरेटेड फॉर हिज सर्विसेज. ओके. एंड जो हमारा लास्ट वर्ड है लैंग्विश, इजी है, इसका मतलब है लेजी. लैंग्विश लेजी से आया है और ये एक वर्ब है. इसका सिनोनिम्स हैं स्लो, स्लगिश एंड लिथर्जिक. लिथर्जिक मीन्स जिसमें कोई भी एनर्जी ना हो. एंटोनिम्स क्या होंगे? अगर सिनोनिम लेजी है तो एंटोनिम क्या होगा? एनर्जेटिक, एक्टिव एंड हेल्दी. लैंग्वेज एक वर्ब है, इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल क्या होगा वर्ब के लिए? माई कैट विल लैंग्विश ऑन विंडो सिल. कैट एक ऐसा एनिमल है जो जिसको आराम बहुत ज़्यादा पसंद होता है. तो लैंग्विश को कैट से रिमेंबर कीजिए कि कैट जो है एक लेजी एनिमल है और उसको विंडो सिल पर बैठना पसंद है. ओके. देन इसका एडजेक्टिव अगर हम ले तो वो हो जाएगा लैंग्विशिंग. My cat's languishing traits, मतलब उसके जो आलसीपन की आदतें हैं, are adorable. क्योंकि cats हैं प्यारी होती हैं, तो उनकी चाहे वो आलसी हैं कुछ भी हैं हमें प्यारी लगती हैं. Then इसका language adverb क्या है? Languishingly. ILY लगा देंगे तो वो languishingly बन जाएगा जो एक एडवर्ब है. तो my cat sits languishingly all day. क्लियर. सो आज का ये सेशन थोड़ा जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पावर प्रॉब्लम हो रहा है आज और ये वीडियो बहुत लेट हो चुकी है. लेकिन मुझे जितने वर्ड्स मिले थे आज के लिए, आई होप आई हैव क्लियर्ड माई सेल्फ वेल. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए. लाइक कीजिए वीडियो को. जैसे आपने फर्स्ट वीडियो को लाइक किया था, कमेंट्स किए थे, दैट वाज रियली ग्रेट एंड आई फेल्ट अ ग्रेट ऑनर दैट यू लाइक्ड माय वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज एंड सपोर्ट अस. So don't forget to subscribe our channel and download the GK Digest Android application. Thank you so much. Have a great day.